मेरे काम का क्या हुआ? काम खत्म हो चुका है सर। जल्दी करो, मुझे अपनी अगली डील भी करनी है। ओके सर। कबीर जमशेद का खास आदमी। जमशेद के हर काले काम को कबीर खुफिया सर अंजाम देता है। जिसकी वजह से जमशेद के सफेद कॉलर पर आज तक कोई दाग नहीं आया। देख कबीर, इस बार मैं बहुत बड़ी डील करने जा रहा हूँ, और वो डील कोई 2% के आदमी के साथ नहीं बल्कि पाशा के साथ है। पाशा स्मगलिंग का बेताज बादशाह है। हुकूमत की पाबंदी के बावजूद वो अंडरग्राउंड माल सप्लाई कर रहा है। शफीक का? शफीक को तो पाशा भाई उठा लिया। माल का क्या हुआ? माल तो हम नहीं भिजवा सकते वहां। गोली का? और उसको तैयार कर। जी बादशाह। पाशा खुद धुएं का आदि है। और उसके 2 खास बंदे भी हैं। पुलिस भी पाशा पर हाथ नहीं डालती, क्योंकि हर डील में पाशा का 2.5% कमीशन पुलिस को जाता है। पाशा से डील कैसे करनी है? इस बार पाशा से डील बड़ी होशियारी के साथ करनी है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। आज पाशा ने मुझे कॉल का टाइम दिया है, और इस बार बड़ा हाथ मारना है। हाँ बोल। अरे पाशा साहब, काफी इंतजार करवाया। आप काम की बात बोल। मुझे आपसे माल उठाना है। जैसा माल होगा वैसा रेट होगा। अरे जानता हूँ पाशा साहब, जानता हूँ। जगह और वक्त मैं बताऊंगा। ठीक है। लगता है आज तो सुबह सुबह ही मुर्गा आ गया। दे दे इसको हाथ, दे इसको हाथ, दे जाजा हाथ दे इसको। गाड़ी छटना। अरे जमशेद साहब आप बैठे हो? माजरत, वो बच्चे से गलती हो गई, आपको हाथ दे दिया। सॉरी, माजरत।
इतनी सुबह सुबह सरकारी लोग, कुछ तो लोचा है लाले। चला बाइक पर बैठ। अबे साहब बाइक नहीं भाग रही यार, अबे तुम पीछे आओ। माल तैयार है मेरा। ऐसे कैसे नहीं होगा, जमशेद साहब आपका ख्याल नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। बस पहले नोटों का दीदार करा दो। आओ शमशीर आओ बैठो। ये है जमशेद साहब, इनसे मिलो। आज शमशेद तुम पहली बार टाइम पे आए हो, अभी अभी डील मुकम्मल हुई है, इनसे तुम अपनी डील की खुद बात कर लो। जमशेद साहब लगते तो आप मुझे अक्लमंद आदमी हैं, बात सिर्फ इतनी सी है कि पाशा की हर डील में हमारा 2.5% कमीशन पक्का होता है। 2.5%? अच्छा भाई आप भी कुछ इनायत कर देते अगर। हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर। पाशा साहब हमें तो अपना हिस्सा मिलता है, अब जमशेद साहब आप बताओ आप इसको जेल में सड़ाओगे या इसका चैप्टर यहीं क्लोज करोगे। अरे शमशेर तेरे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता, तू मर गया है क्या? मैं मरा तो नहीं लेकिन तू जरूर मरेगा। अपनी औकात में लेके बात कर शमशेर, तू क्या बात कर रहा है और किससे बात कर रहा है? अबे ओ चेले मुझे मेरी औकात तू याद दिलाएगा? तुझे तो तेरी औकात याद दिलाऊंगा। बैठ जा पाशा बैठ जा, तेरा खेल खल्लास। हाँ पाशा जमशेद साहब तो तेरे खास आदमी थे ना, लेकिन ये क्या हुआ? शमशेर तू डबल ट्रिपल जितना बोलेगा मैं इतना दूंगा, तो वही साले का गेम बजाने दे। इस बार मैं पैसों पर बिकने वाला है। शमशेर गद्दारी कर रहा है तुझे जानता नहीं। गद्दारी नहीं पाशा वफादारी, इस बार तूने बंदा परखने में थोड़ी गलती कर दी। ये इंस्पेक्टर जमशेद आजम है। पाशा 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 मैं तो उसे ज़िंदगी भर ना मिलता अगर तूने मेरा छोटा भाई ना मारा होता। मेरा छोटा भाई अरसलान तेरी मंशियात का आदि होकर आज अपनी जान गवा बैठा,
और इसका 100% जिम्मेदार तुम हो। हुकूमत ने मंशियात की रोकथाम के लिए हर मुमकिन कोशिश की ताकि हमारे नौजवान नस्ल इससे बच सके, लेकिन ये सारी काविश इसलिए नाकाम हुई क्योंकि तूने कुछ पैसों के लालच में मंशियात की अंडरग्राउंड सप्लाई जारी रखी। एक बात याद रखना, वो दरख्त कभी बड़ा नहीं होता जिसकी शाखें अंदर से खोखली हों। पाशा तुझ खुशफहमी में मत रहना कि मैं तुझे जेल लेकर जाऊंगा। वैसे ही हमारे जेलों में पॉलिटिक्स का बहुत कचरा है। शमशेर, आज तक मैंने सारे काम अंडर कवर रह गए थे, लेकिन आज ये नेक काम मैंने तेरी आंखों के सामने कर दिया।